लेकिन सियासी हमले अब भी खत्म नहीं हुए हैं, सियासी हमले लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की सभी 4 सीटों के नतीजे बीजेपी को चौंका देने वाले हैं। वजहें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जरूरी है मतदान करना। मुद्दा देश का, मैं आपका बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और लोगों ने दिल खोल के वोट किया है। हालांकि कई जगहों पर वोटिंग परसेंट पहले के मुकाबले कम रहा है, लेकिन सियासी हमले अब भी खत्म नहीं हुए हैं, सियासी हमले लगातार जारी है। और दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो और ज्यादा तेज हो गया है। हमने देखा है राहुल गांधी किस तरह से अमरोहा पहुंचे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया, इसके अलावा तमाम जगहों पर पहुंचे हैं और बीजेपी पर करारा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सियासी हमला किया है भाजपा पर और कहा कि भाजपा की 400 पार वाली स्क्रिप्ट वोटिंग के पहले दिन फ्लॉप साबित हो गई है। अब तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं और कैसे कह सकते हैं तो तेजस्वी यादव ही जानते होंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि महागठबंधन बिहार में चौंका देगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी 400 प्लस फिल्म मतदान के पहले चरण में सुपर फ्लॉप हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की सभी 4 सीटों के नतीजे बीजेपी को चौंका देने वाले हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन तेजस्वी यादव कोई ओवर कॉन्फिडेंस में तो बातें नहीं कह रही, क्योंकि अभी तो 6 चरण और बाकी हैं। लोग बीजेपी नेताओं के झूठे वादों से तंग आ गए हैं, तेजस्वी यादव इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, बीजेपी का जुमलों का पहाड़ ढह चुका है। बिहार की जागरूक जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। वो कहते हैं कि बीजेपी की कथित डबल इंजन की सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा अपराध में है, इससे जनता दुखी है। 17 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। तेजस्वी आगे कहते हैं कि पीएम मोदी ने 10 साल पहले जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ है, 2019 में जो कहा था वो भी पूरा नहीं हुआ। अब जनता इनके झूठे वादों से ऊब चुकी है। बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। हैरानी की बात यह है कि अब कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि हमने वादा किया है कि हम बिहार को विशेष राज्य के साथ ही विशेष पैकेज दिलाएंगे। विशेष पैकेज में लगभग 1,60,000 करोड़ मिलेंगे, यानी एक लोकसभा में 4,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे। आरजेडी नेता यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बिहार की क्या जरूरत है और बिहार भी जानता है कि कौन उसका काम पूरा करेगा। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दा हावी है, इसी पर पूरे राज्य का चुनाव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम राहुल गांधी के साथ रैली कर रहे हैं, हम लोग मिलकर काम करेंगे, पूरा महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक एकजुट है। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन का है। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने भी यही बात दोहराई। वो कहते रहे कि हम ना सिर्फ उन 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे, यहाँ 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ था, बल्कि बाकी सभी 36 सीटों पर भी हम जीत हासिल करने वाले हैं जहाँ आगामी चरणों में मतदान होगा। देखिए, पहले चरण से ही सभी लोग हार जीत का फैसला कर रहे हैं, 6 चरण का कोई इंतजार नहीं कर रहा है। लेकिन राजनीतिक जो पंडित हैं वो कहते हैं कि अभी हमें जल्दबाजी में कुछ भी कहना नहीं चाहिए, इंतजार करना होगा। ये सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है, अभी 6 चरण और बाकी हैं। बता दें कि बिहार में 4 सीटें जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद पर पहले चरण में शुक्रवार को 48% मतदान हुआ। सूबे में दूसरे चरण से लेकर पांचवें चरण तक 5-5 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 6ठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर वोटिंग होगी। तो ये बिहार की तस्वीर थी और आज सुबह से ही उनका जो कहना था, जो बयान था, वो चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 63% वोटिंग दर्ज की गई। नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों सहित देश के बाकी हिस्सों में चुनाव प्रक्रिया काफी हद तक सुचारू और शांतिपूर्ण रही। मणिपुर में छिटपुट हिंसा की सूचना मिली, फिर भी यहां 70% मतदान हुआ है। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा मतदान जो है इन्हीं राज्यों में हुआ है, तो यहां पर क्या बदलाव होगा? क्या बीजेपी यहां पर इन लोगों को जीत, इनका दिल जीत पाएगी और कामयाब हो पाएगी, या फिर जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा थी उसका असर रहेगा? असम और आउटर मणिपुर की सीमांकित सीटों को छोड़कर 2019 में इन सीटों पर कुल 66% मतदान हुआ। लगभग पूरे देश में गर्मी और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश को धता बताते हुए लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचे थे।
समय समाप्त होने के घंटों बाद भी कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। सूचना आयोग के मुताबिक अंतिम मतदान प्रतिशत कुछ और बढ़ने की उम्मीद थी। नियम के अनुसार मतदान का समय समाप्त होने के बावजूद बूथों पर पहुंचे सभी मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी जाती है। पश्चिम बंगाल में जहां चुनावी हिंसा और प्रतिद्वंदी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों का इतिहास रहा, कूचबिहार में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक कूचबिहार में झड़पों का मतदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अलीपुरद्वार, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्रों में करीब करीब 80% मतदान दर्ज किया गया है। त्रिपुरा में भी मतदान प्रतिशत 81% रहा और सिक्किम में 80% रहा। अन्य राज्यों में 70 से अधिक मतदान हुआ, उसमें मणिपुर, पुदुचेरी, मेघालय, असम शामिल है। बारिश और आतंकी धमकियों के बावजूद उधमपुर में 67% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने वामपंथी उग्रवादियों की धमकियों को दत्ता बताते हुए 67% मतदान किया। बस्तर के 56 गांव में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि परंपरागत रूप से कम से मध्यम मतदान वाले राज्य हैं, इन राज्यों में पहले चरण में 60% और 48% वोटिंग दर्ज की गई। राजस्थान में भी राष्ट्रीय औसतन 57 से कम मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 61% मतदान हुआ, नागालैंड में 56, मिजोरम में 56 और आमतौर पर अधिक मतदान होता रहा। वहाँ वोटर्स में इस बार कुछ निराशा भी देखी गई। तमिलनाडु में जहाँ पहले चरण में सभी 39 सीटों के लिए मतदान हुआ, वहाँ पर 70% वोटिंग दर्ज हुई है। पहले चरण के समाप्ति होने के साथ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा के लिए मतदान पूरा हुआ। इसके साथ ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए। विधानसभा चुनाव में सिक्किम में 68% और अरुणाचल में 66% मतदान हुआ। तो वोटिंग पैटर्न ये रहा, आंकड़ा ये रहा और प्रतिशत ये रहा। लेकिन अभी भी तैयारियां जो है, देखिए जो पहला चरण निकलना था वो निकल चुका है, लेकिन आने वाले चरणों के लिए सभी दिग्गज दल तैयार हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में एक रैली को संबोधित किया, जिन कमलनाथ को कहा जा रहा था कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर कमलनाथ ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कमलनाथ खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं और फिर रैली में आई भीड़ से इसे दोहराने का आग्रह करते हैं। बैतूल के चुटकी गांव में कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि आज संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है, संविधान में बदलाव करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रयास कर रही है, उनका लक्ष्य संविधान को बदलना है। आप लोग संविधान प्रजातंत्र के रक्षक हैं, इस चुनाव के यही मायने हैं। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से कहा कि आप छिंदवाड़ा से बैतूल की तुलना कीजिए, किस तरह आपको उपेक्षित किया जाएगा। भाजपा ने 20 वर्षों में क्या किया, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का प्रदेश बनाकर रख दिया है। तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिंदी बेल्ट जो भी राज्य है, इनमें वोटिंग परसेंट इस बार थोड़ा सा कम रहा है। वजह तो धीरे धीरे क्लियर हो पाएगी। हो सकता है कि अब सरकार से खुश हो आम जनता, इसीलिए सत्ता बदलने की कोई बात ना उनके मन में आई हो, या फिर लोगों का मन ऊब चुका हो पार्टियों से कि हमने तो दोनों पार्टियों को देख लिया है, कोई हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी है मतदान करना। तो अगले चरण के लिए आप भी तैयार रहिए और मतदान ज़रूर करिए, ये आपका अधिकार भी है। मुद्दा देश का हमें आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।